What are enantiomers? अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन आइटम अगर किसी सिंगल स्पेसिफिक कार्बन आइटम के इर्द गिर्द अगर रोटेशन चेंज हो रही है तो वो है एपीमर। जैसे ग्लूकोज और गलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं ठीक ओके नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि एक फ्लास्क के अंदर हमने शुगर का सॉल्यूशन रखा हुआ है और उसमें से हम प्लान पोलराइज लाइट गुजारते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेक्स्टो है या लिवो है तो वो कौन सी चीज है जो राइट साइड में रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स शुगर के रेसिमिक मिक्सचर्स हम कहां यूज करते हैं मिक्सचर्स हम कहाँ यूज करते हैं मेडिसन इंडस्ट्री में ओके okay. अब मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साइटोसिस हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ साइटोसिस Cytosis. Okay, what is the endocytosis? What is endocytosis? Properly defined. What is exocytosis? What is pinocytosis? What is the function of lysosomes? हाउ दे डिग्रेडेट एनी थिंग देव डाइजेस्टिव एनजाइम्स ओके नाओ पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और कीटोन्स और कंप्लेक्स सबस्टांसिज विच यूल्ड पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलसिज आर कार्ड कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं भी पोलीहाइड्रोक्सी एलडीहाइड या कीटोन्स और बनावी पोलीहाइड्रोक्सियलहाइड्रिया की टोन्स रहे क्यों रीजन क्या है और हाइड्रोलिस ही क्यों हो रही है फॉर एग्जाम्पल होमा है सेट कंप्लेक्स टू सिंपल व्हाट इज कंप्लेक्स टू सिंपल प्रॉपरली डिफाइन ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज गाइगोजिन इज एनिमल स्टार्च एंड स्टार्च इज प्लांट प्लांट रिजर्व फूड मटेरियल फोटोसेंथिस जब होती है ठीक है तो एक फोटोसेंसिस के नतीजे में जो है पौधे जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यानी ज़मीन से पानी आब्जॉर्व करके और हवा से एटमोसफेयर से सीओ टू लेके उसको ग्लूकोज़ में तब्दील करते हैं ग्लूकोज जमा होते जाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में जमा हो जाते हैं प्लांट के अंदर ओके okay? और ये जो पल्स हैं ये आटा है या चीनी सॉरी चीनी तो है ये तो मोनोसेक्राइड uh, है ये स्टार्च आटा ये सारा कुछ मैदा, ये क्या है पोलीसेक्राइड स्टार्च इज़ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एल जी Okay, what is amylose and amylopectin? Which enzymes causes the degradation of pectin, pectin? Which enzyme causes the degradation of pectin? Which enzyme causes the degradation of amylose?

okay okay and galactose brain sugar is it found in brain okay वाट आर होमोपोलीसेक्राइड्स एंड वाट आर हेड्रोपोलिसक्राइड्स होमोपोलिसक्राइड्स ऐसे ऐसे पोलिसक्राइड जो सिमिलर मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हों, जैसे ग्लूकोज 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 एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्टार्च हाइड्रोपोलीसराइड जिनमें डिफरेंट चीज़ें आके कोई एक पोलीसेक्राइड बना दें जैसे ग्लूकोज एमाइनो गलाइकिन ठीक है इसके अंदर ग्लूकोज से मुराद ग्लूकोज़ एमाइनो से मुराद एमाइनोज और ग्लाइकिन से मुराद और किस्म शुगर्स शुगर शामिल हो के क्या बना रही हैं पोलीसेक्राइड ओके what are disaccharides what are disaccharides how maltose is formed combination of maltose is combination of glucose and galactose form maltose इज इट राइट ग्लूकोज एंड गलेक्टोज दे ज्वाइंट टूगैदर टू फॉर्म लेक्टोज ब्रेन शुगर मैंने कल बताया था कि ये दूध में पाई जाती है ये आपका लेक्टोज बनाती है ठीक ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल के क्या बनाएंगे माल्टोज सुक्रोज का फंक्शन बताएं सुक्रोज की कंपोजिशन बताएं ओके okay. अगर कार्बन की चेन बढ़ती जाए तो सोलोबिलिटी पे स्वीटनेस पे क्या असर पड़ेगा क्या डिक्रीज होगी लिख के भेजे ना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग रही ये प्रॉपरली बताएं ये आप लोगों की काम आना है जी कार्बन की चेन कम हो ठीक यानी तीन से सात कार्बन आइटम हो तो वो स्वीट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स और इजीली सॉल्युबल इन वाटर होंगे जैसे जैसे कार्बन की चेन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सोलोबिलिटी कम होती जाएगी स्वीटनेस कम होती जाएगी ठीक फॉर एग्जांपल चीनी उठा के आप पानी में हल करते हैं तो चीनी आसानी से हल हो जाती है इसी तरह अगर आप आटा उठा के पानी में हल करें तो आटा बिल्कुल ही हल नहीं होता आटे का थोड़ा सा हिस्सा जो पानी में हल हो जाए वो होता है एमाइलोज आटे का वो हिस्सा जो पानी में बिल्कुल ही हल ना हो वो होता है एमाइलो पैक्टिन क्यों क्योंकि पैक्टिन जो है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल होता है एंड पैक्टिस इज इनसॉलुबल इन वाटर ओके कार्बन की वैलेंसी है फोर फोर का मतलब एक टाइम में वो चार चीज़ों से बाउंड बना सकता है तो क्योंकि जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सिग्मा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे क्लियर हो गया आपको ओके okay. नौ माई क्वेश्चन इज हम कहते हैं कि बाकी मेटाबोलिक पाथवेज में तो शुगर बनती हैं ठीक है वो हमें शुगर्स देते हैं ए टी भी देते हैं कैलवन साइकिल में तो थ्री कार्बन शुगर्स बनती हैं तो वह थ्री कार्बन शुगर्स की क्या अहमियत होती है हमारे अंदर इसका आंसर करें सोच के जिन्होंने पहले मेरे लेक्चर लिए वो फौरन जवाब देंगे उनके जहन में फौरन आंसर आ गया होगा गुड जी जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ वो ही बता रहे हैं अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा जी कैलवन साइकिल में कैलवन साइकिल जो है वो लाइट रिएक्शन के दिए हुए ए और नेट पी पे चलता है यानी देता है नेट एच और एनर्जी देता है ए तो उस दौरान ये होता है कि थ्री कार्बन शुगर बनती हैं और वो थ्री कार्बन शुगर जो है वो जॉइन टूगेदर टू फॉर्म सिक्स कार्बन शुगर फ्रुक्टोज और आपको पता है कि फ्रुक्टोज या सिक्स कार्बन शुगर जो है वो आपको ए टी पी सफिशेंट अमाउंट में दे सकती हैं तो जब फ्रुक्टोज बन जाता है तो जिसम के अंदर जब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है कि जब फ्रुक्टो ग्लूकोज़ की ज़रूरत पने पड़े तो फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जब ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़े तो वो फ्रुक्टोज में तब्दील हो जाता है ठीक है इसी तरह ग्लूकोज़ और गलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं क्लियर हो गया सबको जी अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो हेयर्स और आपके नेल्स हैं ये किस प्रोटीन से बने हुए हैं कैरेटिन प्रोटीन ओके आपका जो ब्लड है ये किस प्रोटीन का बना हुआ है ये टर्सरी स्ट्रक्चर है या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का ओके इट इेमोगलोबन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन ओके ट्रांसक्रिप्शन का पूछ रहा हूं प्रोकरियोट्स में कहाँ पे होती है और यूकरियोट्स में कहाँ पे होती है वाय इन साइटोप्लॉज वाय इन न्यूक्लियस इन यू करियोर्ट्स Why in जी बिल्कुल क्योंकि के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता हायर एडवांस्ड ऑर्गेनालिज नहीं होती और उनका जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उनका डीएनए या जीनोम पड़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं जबकि यूक्रियोड्स में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनलाइज़ बनाई हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है ठीक है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में तब्दील होकर आपके साइटोप्लाज्म में आता है और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप शुरू हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपके में इसलिए होती है कि आप जितनी भी खुराक खाते हैं वो किस पे मुश्तम होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे और अमाइनो एसिड्स एसेट, पे तो अमाइनो एसिड पोल जो है वो आपका साइटोप्लाज्म है, यानी सारे अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं इसलिए वहाँ पे क्या होता है प्रोटीन ट्रांसलेशन का स्टेप What is the meaning of post transcriptional modification? Who will explain post transcriptional modification properly? Explain. वाट आर इंट्रॉन्स वाट आर इंट्रॉन्स वाट आर एग्जॉन्स एंड वाट आर इंट्रॉन्स मैसेंजर आर एन ए के वो हिस्से जो नॉन कोडिंग होते हैं यानी जहां पे कोडॉन नहीं लगे होते जिन्होंने कोई प्रोटीन नहीं बनानी होती उनको इंट्रॉन्स कहते हैं ठीक Exons वो वाले हिस्से होते हैं जिन्होंने एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनानी होती है और वो कोडिंग रीजनस होते हैं ठीक तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन में सप्लाइसिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि प्रोटीन जो बने उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए ठीक है इस प्रोसेस को कहते हैं सप्लाइसिंग ओके नेक्स्ट मुझे यह बताएं आपको किस तरह पता चलेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो गई है या जगह से शुरू होनी है रेप्लिकेशन बबल फॉर्म रेप्लीकेशन बबल किस तरह बनेगी क्या चीजें आके बनाएंगी नो रेप्लीकेशन फॉर्क नहीं प्रॉपर रीजन बताएं किस तरह पता चलेगा कि इस जगह से शुरू होनी है डीएनए प्रोटीन किस जगह आके अटैच होगी नहीं मुझे ये अंदाजा हो गया कि आपको टॉपिक समझ आ गया आपको आता है अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर करें मुझे क्वेश्चन मेरा ये है आपको कैसे पता चलेगा कि डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ से शुरू हो रही है इस ट्रेंड से क्या चीजें होंगी वहां पे क्या चीजें बताएंगी कि यहाँ पे शुरू हो रही है इतना बड़ा डीएनए है हजारों बेस पेयर्स का डीएनए पूरी जिंदगी आपका एक्सप्रेस होना है कैसे पता चलेगा ओके okay. प्राइमर को कौन सी चीजें हैं जो अटैच के होने में फैसिलिटेट करेंगी उसको कैसे पता चलेगा मैंने फलान जगह पे जाके रुकना है कैसे लगेगा किस तरह पता चलेगा गुड और और बॉक्स के बाद टीटी गैका बॉक्स और ही और यूको रॉर्ट्स में कौन से बॉक्सेस होंगे और युग रियॉर्ट्स में यूक रियॉर्ट्स मैंने तो हॉगनेस बॉक्स बताया था एक हॉगनेस बॉक्स प्रिपनो बॉक्स की जगह हॉगनेस बॉक्स बॉक्स बौ, होगा ठीक है